रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पिछले दिनों कुछ बैंकों पर पेनल्टी लगाए जाने के बाद अब एक बैंक ने रकम निकासी की लिमिट तय कर दी है। आरबीआई की तरफ से मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर कई तरह की रोक लगा दी गई हैं। बैंक की वित्तीय सेहत खराब होने के मद्देनज़र केंद्रीय बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक की तरफ से रायगढ़ सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए 15,000 रुपये की निकासी की सीमा लगाई गई है। इस सख्ती के बाद सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना लोन नहीं दे सकेगा, कोई निवेश नहीं कर सकेगा और नई जमा को स्वीकार नहीं करेगा। रिजर्व बैंक की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया कि बैंक के ग्राहक अपनी बचत और चालू खातों से 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकेंगे। बैंक पर ये रोक 6 महीने तक लागू रहेगी। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनुपालन में कोताही बरतने पर कोटक महिंद्रा बैंक और इनसाइड बैंक पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।